नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स का, और उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि आज निफ्टी एक ऐसे डिसिसिव जंक्शन पर खड़ा है जहाँ मैं कहूँगा कि ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि अब क्या होगा, जबकि आपने देखा कि पिछले हफ्ते में इतनी एक भयंकर बड़ी गिरावट आपने देखी कि पूरे हफ्ते में सेल ऑफ नजर आया, जहां की निफ्टी इंडेक्स 11,200 पर आकर बंद हुआ है। ये बिकवाली पूरे हफ्ते जारी रही जो शुरू हुई थी पिछले हफ्ते में, जबकि आपने देखा था कि जब निफ्टी ने 12,390 का एक हाई लगाया था, वहां से निफ्टी में हमने लगातार गिरावट देखी। ये गिरावट सिर्फ निफ्टी में ही नहीं थी, ये विश्व के सभी इक्विटी बाजारों में एक भयंकर बिकवाली का दौर शुरू हुआ कोरोना वायरस के डर की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उससे काफी एक अनिश्चितता बढ़ गई है पूरे विश्व में, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित हुआ है और काफी गंभीर टाइम तक ग्लोबल ट्रेड के प्रभावित रहने की संभावना भी है, जिसके चलते हमने US के इक्विटी बाजारों में भी काफी बड़ा एक सेल ऑफ देखा, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा भारतीय बाजारों में पड़ा। तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा इस गिरावट को, कि ये गिरावट अभी कितनी बाकी है या कहाँ से वापसी हो सकती है, क्योंकि US के इक्विटी मार्केट्स में निचले स्तरों से कुछ वापसी देखी गई, क्योंकि वहाँ के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर जेरम पावेल ने कह दिया कि वो 75 बेसिक पॉइंट्स का तकरीबन कट करेंगे इंटरेस्ट रेट में, जिसके चलते S&P 500 इंडेक्स और दूसरे इंडेक्सेस में भी कुछ वापसी हुई, परंतु डॉव में गिरावट अभी भी काफी बाकी है। जहाँ मेरा मानना है कि जो गिरावट अभी भी हमने देखी जब हमारे भारतीय मार्केट्स बंद हो चुके थे, तो US मार्केट्स में जो गिरावट हुई उसका असर अभी भारतीय मार्केट्स पर कितना पड़ सकता है, इसका आंकलन लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो गिरावट है ये सन 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सन 2008 में आप यहाँ देख सकते हैं, ये निफ्टी का एक मंथली चार्ट है, जहाँ आप देख रहे हैं कि जनवरी 2008 में यहाँ जब निफ्टी में गिरावट हुई थी, तो ये गिरावट इन स्तरों तक हुई थी जहाँ से कुछ वापसी देखी गई थी वापस इन स्तर पर, परंतु जो 28 तारीख को यानी 28 फरवरी को जो गिरावट भारतीय मार्केट्स में देखी गई, वो गिरावट इससे भी कहीं अधिक थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सन 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, इन स्तरों से यानी निफ्टी था 6,325, और जनवरी के महीने में आप देख सकते हैं कि एक भयंकर गिरावट हमने देखी, जहाँ की निफ्टी नीचे 4,493 तक आ गया था, और यहाँ से कुछ रिकवरी देखी गई, एक स्टीप रिकवरी, परंतु उसके बाद इन स्तरों पर यानी आप यहां देख सकते हैं कि यहां इन स्तरों पर निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया और कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया इन स्तरों के बीच में। आप यहां देखें कि मई के महीने में भी इन स्तरों तक निफ्टी बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जहां निफ्टी ने जहां तक वापसी देखी थी। इन्हीं स्तरों को अगर लेकर चलें तो ये स्तर एक ऐसे स्तर थे जहां से ऊपर निफ्टी नहीं जा रहा था, फिर ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहा मई 2008 से, और फिर से ये गिरावट का दौर जारी रहा, जहां हमने निफ्टी को इन स्तरों को छूते हुए देखा, यानी 2295 का स्तर निफ्टी ने छुआ था अक्टूबर 2008 में। ये वो स्तर थे जबकि कोई भी निवेशक बाजार में हाथ लगाने से नहीं आगे आता था, तो ये वो समय था जबकि निफ्टी इन निचले स्तरों पर आ चुका था, और यहाँ पर कोई भी निवेश करना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग डरे हुए थे। जिन निवेशकों ने इन स्तरों पर निवेश किया था बाजार में, वो यहाँ पर आकर बिल्कुल हर चीज को हाथ लगाने से डरते थे, और ये वो समय था जबकि कोई भी शेयर मार्केट का दिग्गज आकर ये नहीं कहता था कि इस शेयर में निवेश करें ये सबसे बढ़िया है, या ये शेयर ऊपर जा सकता है, क्योंकि जब मार्केट्स अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि मीडिया में भी कई जो मार्केट के एनालिस्ट हैं वो आकर ये कहते हैं कि आप यहाँ निवेश कीजिए, इस शेयर में अभी मुझे और तेजी लगती है। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज की एक लिमिट होती है, परंतु इन स्तरों पर जबकि निवेश का आखिरी समय होता है, कोई भी एनालिस्ट आपको सजेस्ट नहीं करने आगे आएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद यहाँ परचेजिंग शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हमने निफ्टी में यहाँ फंड्स की फिर से बाइंग शुरू हुई मार्च 2009 से, जबकि निफ्टी ने फिर से एक बार ऊपर की रफ्तार पकड़ी और
निफ्टी ने फिर से इन्हीं स्तरों को अचीव किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्टूबर 2010 में फिर से निफ्टी ने उन्हीं स्तरों को अचीव कर लिया था, परंतु ये स्तर एक ऐसा स्तर थे जहाँ निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया अक्टूबर 2010 में, और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, परंतु निफ्टी आप ये देख सकते हैं कि ये जो अप ट्रेंड है एक मंथली टाइम फ्रेम में, इसकी जो सेकेंड अप ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर आता ही निफ्टी में फिर से बाइंग देखी गई। तो मेरा मानना है कि निफ्टी का ये अप ट्रेंड अभी भी जारी है, परंतु इस अप ट्रेंड से जब भी निफ्टी एक कदम बाहर निकालता है तो वो सही समय होता है इसका अगला मूव नापने का। बीच में आप कुछ नहीं कह सकते, और यदि निफ्टी आप यहाँ देख सकते हैं कि जब निफ्टी ने इस अप ट्रेंड की सबसे ऊपरी जो लाइन है इसके ऊपर जब कदम रखा एक मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ एक पहला इंडिकेटर था, एक खतरे की घंटी बज चुकी थी कि निफ्टी में एक क्रैश कभी भी हो सकता है, यानी निफ्टी कभी भी गिर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि निफ्टी ने उसके बाद भी इन स्तरों को छुआ था, यानी 6252 के, परंतु इस स्तरों पर सतर्क हो जाना चाहिए हमेशा निवेशकों को कि यहाँ से कुछ ना कुछ हलचल काफी हो सकती है, कभी भी गिरावट संभव है। परंतु जब इन स्तरों को निफ्टी या कोई भी इक्विटी इंडेक्स तोड़ जाता है तो निवेशक, जो आम निवेशकों की मैं बात कर रहा हूँ, वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब निफ्टी में कभी गिरावट नहीं आएगी, और जब आती है तो अचानक से एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है हमेशा इक्विटी बाजारों में। और जैसा कि यहाँ हुआ, आप देख सकते हैं कि जनवरी 2008 में एक हैवी सेल ऑफ था जो जारी रहा इन स्तरों तक, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ कोशिश होती रही निफ्टी को थामने की, परंतु ये गिरावट थमी नहीं और फिर से ये सेलिंग जारी रही, जहाँ की फाइनली निफ्टी ने इस स्तर तक को छू लिया था। तो ठीक वैसा ही फिर से एक बार हुआ जब निफ्टी ने वापस इस लाइन को, आप ये देख रहे हैं एक रेड कलर की लाइन, जब इस स्तर को छुआ था फरवरी 2015 में। यहाँ आप देख सकते हैं जब निफ्टी ने पहली बार जनवरी 2015 में इन स्तर को छुआ था, तब यहाँ पे हमने निफ्टी को रेजिस्टेंस बार बार मिलते हुए देखा 9128 के स्तर पर। यहाँ निफ्टी ने कई बार अटेम्प्ट किया 3 महीनों तक लगातार, जहाँ की मार्च 2015 से हमने निफ्टी में एक सेल ऑफ जारी रहता हुआ देखा, जहाँ की निफ्टी वापस इस स्तर पर जाकर सपोर्ट ली निफ्टी ने। ये स्तर थे 8930 का, जहाँ निफ्टी ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ से अच्छी सपोर्ट मिली। क्यों निफ्टी इस जो सेकंड जो सपोर्टिंग लाइन है, आप ये देख रहे हैं नीचे ये जो रेड कलर की लाइन है, इसके नीचे आते ही ये समय होता है जब आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, परंतु फिर भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि कहाँ निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है और कहाँ निफ्टी में एक ठहराव आया है। ये तो कोई एक कॉमन इन्वेस्टर भी अपने आप समझ सकता है। और यहाँ से शुरू होती है सॉरी बाइंग, जबकि निफ्टी ने यहाँ से फिर एक बार फिर से अपवर्ड जर्नी शुरू की, और आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी कायम थी 1 जनवरी 2018 तक, जहां से निफ्टी में इन स्तरों से आप यहां देख सकते हैं जब इसने फिर से इस रेड लाइन को पार किया, तो यहां से आप यहां देख सकते हैं कि निफ्टी को हमने फिर से रेजिस्टेंस मिलते हुए देखा 11200 के स्तर से, जहां निफ्टी ने बार बार अटेम्प्ट किया और फाइनली निफ्टी ने फिर से ये गिरावट दिखाई 1 फरवरी 2018 को, और निफ्टी इन स्तरों तक नीचे आया यानी 10100 के लेवल तक। फिर निफ्टी ने ये जो अप ट्रेंड है फिर से एक बार पकड़ा और निफ्टी ने फिर से एक बार हाई लगाया 11840 का। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2018 को निफ्टी इन स्तरों पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ से थोड़ा सा सेल ऑफ हमने देखा, ये भी उस महीने में यानी सितंबर 2018 में एक काफी बड़ी गिरावट थी जो कि नवंबर 2018 में जारी रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत हुई थी टैरिफ ट्रेड वार की, जिसके चलते विश्व के सभी इक्विटी बाजारों में हमने सेल ऑफ जारी रहते हुए देखा, जिसके चलते निफ्टी में भी ये सेलिंग प्रेशर रहा, जहाँ की निफ्टी वापस 10026 के स्तर तक नीचे आया था, जहाँ निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिला। उसके बाद फिर निफ्टी ने फिर से जब रफ्तार पकड़ी तो आप देख सकते हैं कि फिर से इस रेड लाइन पर एक मंथली चार्ट में आप देख रहे हैं कि निफ्टी इसके ऊपर गया जरूर, परंतु यहाँ से सेल ऑफ शुरू हुआ और ये सेल ऑफ भी काफी एक हैवी सेल ऑफ था, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में देखा। और यहाँ निफ्टी में इस तरह तक निफ्टी को नीचे धकेला गया यानी 10667। ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी यहाँ पहले भी कई बार सपोर्ट ले चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी ने पहले कई बार यहाँ सपोर्ट लिया है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी यदि इस स्तर पर आता है अब,
यदि ये सेल ऑफ जारी रहता है जो कि पिछले हफ्ते में कायम था, तो मेरा मानना है कि ये एक मौका होगा निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन लेने का, जहाँ की मेरा मानना है कि 10,521 का लेवल एक अच्छा काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करने का। जैसा कि मैंने ये नीली लाइन आपको दिखाई है, ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। उसके नीचे ये एक डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लेवल है 10,540 का। तो मेरा मानना है कि 10,540 और 10,741 के बीच में ये जो जोन है, ये एक अच्छी बाइंग जोन है जो कि निफ्टी को गिरावट में काफी अच्छी सपोर्ट प्रदान करती है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं कहूंगा। इन लेवल्स पर निफ्टी में हमेशा देखी गई है पहले कई महीनों में, क्योंकि फंडामेंटल्स खराब जरूर हैं, इकोनॉमी में वीकनेस जरूर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कोरोना वायरस का जो इम्पेक्ट है वो इतना अधिक है कि इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं टैरिफ ट्रेड वार पर डील तो हुई है, परंतु वो भी एक पार्शियल डील है। तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी गंभीर है, जहां की अभी देखना है कि क्या ये सेल ऑफ रुकता है यहां पर या नहीं, या ये अब शुरू हो सकती है पैनिक सेलिंग इन स्तरों से नीचे यदि निफ्टी आता है। परंतु मेरा मानना है कि जैसा कि अमेरिकन बाजारों में हमने रिकवरी देखी शुक्रवार को, जिससे कि निफ्टी में भी एक बाउंस बैक हम देख सकते हैं इन स्तरों तक, यानी 11,730 तक एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। निफ्टी में भी एक रिकवरी पॉसिबल है अभी भी आने वाले हफ्ते में, परंतु ये अभी सही समय नहीं होगा निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन लेने का, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है। जब तक आप पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाएं कि निफ्टी जिस स्तर पर भी नीचे तक आता है वहां पर जाकर सस्टेन कर रहा है या नहीं, यानी सपोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है या नहीं, जब तक आप एक लॉन्ग पोजीशन ना लें। और यहाँ ए लेवल्स पर भी एक शॉर्ट पोजीशन लेने का अभी कोई कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कोरोना वायरस फ्रंट पर आने वाले समय में क्या न्यूज निकल कर आती है। आइए अब इस चार्ट को देखते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी चार्ट को एक वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी के मूव्स को, जहाँ की आप यहाँ देख रहे हैं निफ्टी ने 22 फरवरी 2016 से जब एक अप ट्रेंड की शुरुआत की, तो ये काफी अच्छी शुरुआत थी, जहां निफ्टी को पहला जो रेजिस्टेंस मिला वो मिला 8,967 पर, जिसके बाद निफ्टी नीचे आया और यहां पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी को मिला दो बार। आप यहां देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी को 7,855 के स्तर पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, निफ्टी ने फिर से रफ्तार पकड़ी ऊपर की और फिर निफ्टी ने फिर से इन्हीं स्तरों पर जहाँ उसने पहले रेजिस्टेंस फेस की थी, यानी 8,267 पर यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस मिली, परंतु एक गैप के साथ निफ्टी ने इसको तोड़ा, इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को, और फिर सस्टेन किया इन लेवल्स के ऊपर, यानी 9,037 के ऊपर निफ्टी ने अच्छा सस्टेन किया है। और यहाँ से निफ्टी ने जब रफ्तार पकड़ी ऊपर की, तो ये अपट्रेंड जारी रहा 22 जनवरी 2018 तक, जहाँ की निफ्टी ने आकर एक रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला 11,090 पर। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जब निफ्टी नीचे से ऊपर जाता है तो ये जो लेवल्स होते हैं ये रेजिस्टेंस का तो काम करते ही हैं, परंतु जब निफ्टी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी इन लेवल से ऊपर गया और जब निफ्टी नीचे गया है तो यहाँ पर काफी कुछ सपोर्ट मिली, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ इस वर्ष तक निफ्टी आया था नीचे सितंबर 2018 में, परंतु यहाँ से हमने बाइंग देखी एकदम से और फिर निफ्टी ने कुछ टाइम सस्टेन किया, परंतु इस वर्ष को तोड़ने के बाद निफ्टी फिर से नीचे गया, जहाँ की निफ्टी ने इस स्तर को छुआ था। ये जो नीचे थे आप देख रहे हैं ये एक अप ट्रेंड की एक लाइन है, जहाँ की निफ्टी ने एक अप ट्रेंड मेंटेन किया इस जोन के अंदर और ये अप ट्रेंड यहाँ तक कायम था। आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते तक ये अप ट्रेंड कायम था जब निफ्टी ने यहाँ इन स्तरों से गिरना शुरू किया, यानी 12,075 के लेवल से जब गिरना शुरू किया तो ये गिरावट एक खड़ी गिरावट थी, जहाँ की निफ्टी में हमने एक गैप डाउन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखा, जहाँ गैप्स के बाद गैप्स नीचे निफ्टी देता गया और जिसका एक परिणाम हुआ कि शुक्रवार को एक हैवी सेल ऑफ हुआ, जिसके चलते निफ्टी अब इस स्तर तक आ गया है, यानी 11,200 के लेवल तक निफ्टी आ गया है नीचे।
यहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी को अब जो इमीडिएट सपोर्ट है वो यही लेवल सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, यानी ये जो लेवल है जहाँ की निफ्टी को काफी रेजिस्टेंस मिलता है। आप यहाँ देखें कि यहाँ पर भी निफ्टी को एक टफ रेजिस्टेंस मिला इस स्तर पर, तो ये लेवल है 11,090 का। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए, जहाँ की निफ्टी सपोर्ट ले सकता है अभी भी, इसमें कोई शक नहीं। परंतु यदि इस सपोर्ट को तोड़ा निफ्टी ने तो अगला जो सपोर्ट लेवल होगा वो 10,733 पर होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो जोन है 10,583 से लेकर 10,751, यहाँ पर निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ मिलेगा नीचे की गिरावट में, जहाँ की निफ्टी को इस लेवल को डिफेंड करना होगा। यहाँ निफ्टी कंसोलिडेट भी कर सकता है, जिसके लिए मैंने कुछ जोन्स बनाई हैं आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि अभी तो देखना है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी का रुख किस तरह रहता है, क्या निफ्टी इस लेवल को डिफेंड कर पाता है या नहीं। यानी 11,090 को यदि निफ्टी ने डिफेंड कर लिया तो ही निफ्टी में हम एक अपवर्ड मूव की अपेक्षा रख सकते हैं, अन्यथा निफ्टी यदि इस लेवल के नीचे अगर एक गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी ने दी तो मेरा मानना है कि निफ्टी इन लेवल्स को जरूर टेस्ट करेगा, यानी 10,733 के लेवल को एक इमीडिएट यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि निफ्टी की ओपनिंग आने वाले हफ्ते में पहले दिन किन स्तर पर होती है और इसका इम्पैक्ट होगा आने वाले हफ्ते में जब S&P 500 फ्यूचर्स की जब ओपनिंग हो जाएगी हमारी मार्केट्स के खुलने से पहले, तो वो तय कर देंगे कि निफ्टी की ओपनिंग एक गैप डाउन के साथ होगी या एक गैप अप के साथ होगी, क्योंकि S&P 500 फ्यूचर्स जो हैं काफी पहले खुल जाते हैं, जिसके चलते हमारे मार्केट्स के खुलने का एक लेवल हमें काफी अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या निफ्टी इन लेवल्स को डिफेंड करता है या नहीं जो इमीडिएट सपोर्ट है 11,090 की। तो यदि निफ्टी ने इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो ये सेलिंग को हम कंटिन्यू रहते हुए देखेंगे 11,733 तक, और यदि निफ्टी ने इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया यानी 10,592 तक यदि निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक की अपेक्षा हम कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी भी काफी सारे इश्यूज अनरिजॉल्वड हैं। और सबसे पहली चिंता तो है भारतीय इकोनॉमी का एक काफी वीक स्थिति में होना, परंतु अभी भी अपेक्षा की जा रही कि आने वाली GDP ग्रोथ 4.5% से बढ़कर 4.7% तक आ सकती है। GDP नंबर्स जो हैं जो कि एक बाउंस बैक दे सकते हैं मार्केट को, कुछ सहारा वहां से मिल सकता है। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पिछले हफ्ते में हमने देखा कि यहाँ से निफ्टी ने जब एक टफ रेजिस्टेंस महसूस की थी 12,158 पर, और ये दिन था 20 फरवरी 2020, उसके बाद से एक गैप डाउन सीरीज शुरू हुई जहाँ की निफ्टी ने पहला एक इमीडिएट गैप डाउन दिया 24 फरवरी को, और जिसके बाद निफ्टी में ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहा, और फिर उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग होती है 26 फरवरी को जहाँ की ये सेल ऑफ जारी था, और फिर से हमने निफ्टी में ये सेलिंग जारी रहते हुए देखी 27 फरवरी को भी, जहाँ की निफ्टी नीचे इन स्तरों तक आया था। ये जो अप ट्रेंड जोन है इसको डिफेंड करने की कोशिश की थी, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, परंतु फाइनली एक गैप डाउन के साथ निफ्टी ने 28 फरवरी को इस अप ट्रेंड जोन के पूरी तरह से बाहर आ गया, और उसके बाद जब सेलिंग शुरू हुई तो ये सेलिंग कंटिन्यू रही जहाँ की निफ्टी नीचे आया था 11,175 के स्तर तक। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखी गई परंतु फिर भी काफ़ी एक नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुआ है, जिसके चलते अब देखना होगा कि क्या निफ्टी इन लेवल्स पर सपोर्ट ले पाता है या नहीं आने वाले हफ्ते में, यानी 11,090 का लेवल क्या निफ्टी को सपोर्ट देता है या निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग फिर से लेता है इस लेवल के नीचे। यदि एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो निफ्टी को हम इस स्तर तक आते हुए देखेंगे यानी 10,757 तक। तो यहाँ मेरा मानना है कि हो सकता है निफ्टी इन स्तरों तक भी नीचे आ जाए यानी 10,587। यहाँ पर एक बुलिश कंसोलिडेशन हम होते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में यदि निफ्टी नीचे आता है तो, उससे पहले ये जो लेवल है यानी 11,254 का और 11,090 का, इसके बीच में भी एक कंसोलिडेशन जारी रहते हुए देखी जा सकती है। हो सकता है कि निफ्टी ऊपर स्तरों से एक शुरुआत करे, यानी 11,257 के ऊपर यदि निफ्टी की ओपनिंग होती है आने वाले हफ्ते में तो निफ्टी में फिर से एक अपवर्ड मूव की शुरुआत देखी जाएगी, जहाँ की निफ्टी को इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 11,384 पर मिलेगा, जहाँ से निफ्टी ये सेल ऑफ फिर से देखा जा सकता है शुरू होते हुए।
इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी को काफी संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ इन स्तरों के ऊपर यानी 11,381 के ऊपर जाते ही निफ्टी में फिर से सेलिंग कंटिन्यू रहती देखी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर से जो लाइन है ये निफ्टी के डाउन ट्रेंड की एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ की मेरा मानना है कि ये लाइन एक स्ट्रिफ रेसिस्टेंस देगी निफ्टी को हर अपवर्ड मूव पर। उससे पहले ये जो आप लाइन देख रहे हैं उसके नीचे जो सेकंड लाइन आप देख रहे हैं ये जो लाइन है जहाँ निफ्टी ने यहाँ एक बाउंस बैक दिया था 27 फरवरी को, यहाँ से इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी को अभी मिल सकता है 11,483 पर। तो जो ऊपर का बर्ड मूव हुआ भी तो यहाँ एक जो फर्स्ट लेवल होगा रेजिस्टेंस का वो 11,486 होगा, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए होगा 11,573। तो इन स्तरों पर इस गैप को फिल करना एक काफी संघर्षपूर्ण कार्य है निफ्टी के लिए। अब तो देखना होगा कि निफ्टी की ओपनिंग आने वाले हफ्ते में पहले ट्रेडिंग सत्र में किन स्तरों पर होती है, ये तय करेगा कि निफ्टी में जो आगे का संघर्ष है वो किस तरह का रहता है। जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी ने इस तरह से, आप यहाँ देख सकते हैं कि 19 सितंबर को जब हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्स कट को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जिसके चलते हमने 20 सितंबर को एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव देखा था, निफ्टी ने यहाँ बाउंस बैक एक दिखाया था, जबकि निफ्टी यहाँ से गिर रहा था। जून 2019 से निफ्टी में गिरावट जारी थी, जहाँ की निफ्टी नीचे इन स्तरों तक आ गया था, यानी 10,634 के स्तर को निफ्टी ने छुआ था यहाँ पर 23 अगस्त 2019 को। उसके बाद काफी कोशिश जारी रही, निफ्टी ने इस जोन में काफी कंसोलिडेट किया, परंतु हर बार ये जो स्तर थे यानी 11,090 का, यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलती थी हर बार, जाके निफ्टी में बार बार सेलऑफ देखा जाता था। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने फिर से 11,090 के नीचे यदि एक कदम रखा तो यहाँ इन स्तरों पर फिर से इस तरह की कंसोलिडेशन दोबारा देखने को हमें मिल सकती है, जिसके लिए मैंने ये एक फील्ड मार्क की है आने वाले समय के लिए। ये जो आप देख रहे हैं पीले रंग में ये जो जोन है 11,155 से लेकर नीचे 10,667 तक, ये एक बुलिश कंसोलिडेशन जोन है जहां की निफ्टी कुछ समय तक कंसोलिडेट कर सकता है। और वहीं ऊपर ये जो जोन देख रहे हैं आप 11,715 से लेकर 11,274 तक, उसके बाद जो अपवर्ड जो जोन है वो ये है जहां की निफ्टी में बार बार सेल ऑफ देखने को मिलेगा। परंतु यदि निफ्टी ने इस जोन को भी तोड़ा यानी 10,675 के नीचे यदि निफ्टी ने सस्टेन किया तो मेरा मानना है कि निफ्टी में गिरावट एक बड़े सेल ऑफ में तब्दील हो सकती है। यदि निफ्टी ने 10,583 के लेवल के नीचे सस्टेन कर लिया तो मेरा मानना है कि फिर पैनिक सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अभी आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है, जहाँ की अब देखना होगा कि निफ्टी की ओपनिंग आने वाले हफ्ते में किन स्तरों पर होती है। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज काफी लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।